ओबेसिटी यानी वजन बढ़ना या मोटापा आज के समय बच्चे और बड़ों दोनों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका कारण सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो है ही, मगर ये भी है कि हमारा जो खाना पीना है उसमें कई तरह के आर्टिफिशियल ऑयल्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और रिफाइंड शुगर आ गया है, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे कई तरह के जो पैकेज नमकीन है, डब्बा बंद चीज़ें हैं। अब ओबेसिटी को जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबको लगता है कि ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए सिर्फ लो कैलोरी डाइट फॉलो करनी है, मगर लो कैलोरी डाइट उसका इलाज नहीं है, बिकॉज ओबेसिटी एक बीमारी है, उसका इलाज कम खाना नहीं है, उससे और दिक्कत और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो आखिर ओबेसिटी का इलाज क्या है? मिसाल के तौर पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में ऑर्डिनरी ओबेसिटी वाले लोग बहुत कम आते हैं, नॉर्मली जो हमारे इंस्टीट्यूशन में पेशेंट्स आते हैं, और अभी तक 50,000 पेशेंट्स आ चुके हैं, वो आते हैं ओबेसिटी विद अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी ओवरवेट प्लस हाइपोथायराइड, ओवरवेट प्लस डायबिटीज, ओवरवेट प्लस पीसीओएस, ओवरवेट विद लिवर प्रॉब्लम। तो यानी ओबेसिटी को आप सिर्फ एक मोटापा और एक कैलोरी प्रॉब्लम ना समझ के इसको एक मेडिकल प्रॉब्लम समझेंगे, तभी ये लॉन्ग टर्म में आपकी ट्रीट होगी, और न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट ही इसका सही ट्रीटमेंट है।